एक ऐसा देश जहाँ भी टीवी पे सिर्फ 3 ही चैनल्स मौजूद है और एक ऐसी मछली जो हवा में उड़ती है। और मैं आपसे बोलूं कि पेट्रोल के गाड़ी में डीजल डाले तो क्या होगा, ऐसी मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 20, जापान में कुछ ऐसे होटल से उन होटल में बंदरों को वेटर बनाया जाता है और इनको तनख्वाह के लिए केले भी दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 19, आप जो मर्सिडीज का लोगो देखते हो उस लोगो में जो 3 पॉइंट्स होते हैं इसका भी मतलब होता है। इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब है लैंड और सेकंड पॉइंट का मतलब है पानी और इसका मतलब है हवा। इन तीनों को इम्प्रूव करने के लिए ये डाला गया था। फैक्ट नंबर 18, इस इमेज में आप जो देख रहे हैं वो साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइब्रेरी है। उनके मरने के दिन ये लाइब्रेरी कुछ ऐसी दिख रही थी। फैक्ट नंबर 17, माइकल जैक्सन के बारे में आपको पता ही होगा, वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार थे। पर क्या आप जानते हैं वो 150 साल तक जीना चाहते थे, इसलिए उनके घर में उन्होंने 12 डॉक्टर रखे थे। वो 12 डॉक्टर उनका रोज चेकअप करते थे और उनका खाना सर्व करने से पहले उनका खाना लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए जाता था। फैक्ट नंबर 16, अगर मैं आपसे पूछूं कि नोकिया जो कंपनी है वो पहले क्या बनाती थी, आप बोलोगे वो मोबाइल ही बनाती होगी। पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो पहले पेपर बनाती थी। फैक्ट नंबर 15, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो दुबई में स्थित है। पर क्या आप जानते हैं उस बिल्डिंग को वहाँ के शेख लोगों ने नहीं बनाया था, उस बिल्डिंग को सैमसंग कंपनी ने बनाया था जो कि एक मोबाइल कंपनी है। फैक्ट नंबर 14, जर्मनी का एक ऐसा आदमी, उसने अपना बर्थडे ऑलमोस्ट 2 दिन तक सेलिब्रेट किया। पर वो कैसे, उसने अलग अलग देशों में जाके अलग अलग टाइम जोन्स में लगभग 2 दिन तक उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। फैक्ट नंबर 13, रशिया में 1929 से लेकर 1940 तक यानी कि 11 साल उनके कैलेंडर में से सैटरडे और संडे को निकाल दिया क्योंकि उनके वर्कर्स को कंटिन्यूसली काम कराने के लिए। फैक्ट नंबर 12, फिलीपींस नाम के देश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया था जो कि था 1 घंटे में 3.2 मिलियन पेड़ लगाने का रिकॉर्ड था। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 घंटे में 30 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा गया था। फैक्ट नंबर 11, आपको तो ये पता ही होगा कि गोल्ड के कीमतों पर कभी उतार तो कभी चढ़ाव होता रहता है, पर इसका कंट्रोल कहाँ से होता है आप जानते हैं, इसका कंट्रोल लंदन की सिटी से होता है। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट जान के आप बहुत हैरान होंगे क्योंकि वियतनाम नाम का एक ऐसा देश है, उस देश में हमारे इंडिया के 100 रुपीज वहाँ के 31,622 रुपीज के बराबर है। अमेजिंग है ना। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।